वाओ क्या मस्त है यार, वाओ यार व्हाट अ ब्यूटी। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विकेट राइडर। तो आज हम लोग अभी आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड सीवीएस मोटर्स में, जो कि है हम लोगों का बैंगलोर मेखरी सर्कल के आगे। तो आज का रिव्यू है होने वाला है ऑल न्यू 350 मेट्योर, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो और इसका जो मेट्योर 350 में जो मॉडल्स हैं वो है, उसके कलर जो अवेलेबल हैं वो है फायरबॉल रेड, फायरबॉल येलो, स्टेलर रेड, ब्लैक ब्लू एंड सुपरनोवा ब्राउन एंड ब्लू। जिसका प्राइस एक शोरूम है 174 फॉर फायरबॉल रेड, एंड स्टेलर रेड के लिए प्राइस है 1.79, और जो सुपरनोवा है वो है 1,88,901 रुपीज़ की। काफ़ी प्रीमियम लुकिंग बाइक है, और जो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका व्यू, इसका जो टैंक है ये ब्लू कलर में बाइक आ जाती है, और जो इसका आप अलॉयज़ देखोगे तो अलॉयज़ काफ़ी ही अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, एक पैटर्न काफ़ी अच्छा है, और साइड में रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। और जो इंजन है, इंजन काफ़ी मैट ब्लैक फिनिश दे रखा है, जो कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है बाइक को। जो और जो यहाँ पे है, ये दोनों में ब्रांडिंग दे रखी है रॉयल एनफील्ड की, और यहाँ पे लिखा हुआ है मीटियोर 350। सस्पेंशन वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक, अलग सा कलर दिया हुआ है, इट्स गुड कि इन्होंने ब्लैक नहीं दिया हुआ, तो ये अलग से विजिबल है। जो पीछे वाला टायर है वो भी काफ़ी विड्थ है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में डाल दूंगा, क्योंकि जो मेरा मेन रिव्यू का मकसद यही था कि आपको एक शॉर्ट राइड में जाके जो ऑनेस्ट रिव्यू रहते हैं एक एज ए राइडर के, वो मैं शेयर करूं। तो काफ़ी अच्छा है, जो इधर पीछे साइड में आपको पूरा बैक रेस्ट मिल जाता है, और इसी में ही सेम बाइक में ही रेड कलर आ जाता है, ये है रेड कलर, तो इसका भी काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हो पीछे जो पिलियन राइडर है उनके होल्ड करने के लिए ये मिल जाता है, और इस तरह के का एग्जॉस्ट दे रखा है यहाँ पे मैट ब्लैक में। तो काफ़ी अच्छी बाइक है, अभी इसका एक शॉर्ट ड्राइव लेके आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको थोड़ा सा कंसोल इसका दिखा देते हैं, और ये जो मिरर हैं आपको इस तरीके से मिल जाएंगे राउंड मिरर्स क्रोम फिनिशिंग में, काफ़ी सारी क्रोम फिनिशिंग वर्क है इसमें, जो कि बहुत एक प्रीमियम लुक दे रहा है बाइक को। तो इस तरीके का दिख जाएगा आपको कंसोल, यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्ट विद गूगल, यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है, और आ जाता है यहाँ पे टाइम। ये है प्रॉपर नेविगेशन के लिए, जहाँ पे आपको नेविगेशन दिखाएगा कहाँ से कहाँ टर्न करना है आपको, वो सारी चीज़ें इस कंसोल में आ जाता है आपको। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर और बाकी सारी चीज़ें, आपका गियर कौन सा है वो दिखाएगा, ट्रिप मीटर दिखाता है यहाँ पर, और जो फ्यूल मीटर है वो यहाँ पे दिखा देगा। और जो इसके यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइट का बटन है वो पास, और ये काफ़ी अलग तरीके का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो आप स्टार्ट और इन सब का बटन जो है, लाइट अगर आपको दिखा देते हैं तो लाइट है इसका एक रिंग लाइट, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो अभी जो टेस्ट ड्राइव के लिए है वो है ब्राउन कलर, अभी उसको ड्राइव करके देखेंगे और आपको शेयर करते हैं उसके रिव्यूज़। एक और जो कलर अवेलेबल है वो है ऑरेंज, ये भी काफ़ी अच्छा कलर है अगर, और इसमें इस कलर में मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो टायर के साइड में जो लाइन दे रखी है, ये कलर जो रेडियम कलर है, जो बाइक जब भी आपकी लाइट लगी तो रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें है बैक रेस्ट नहीं आता है, तो आपको डिटेल्स में जब मैं डालूंगा कि क्या क्या प्राइसिंग रहता है बाइक का, उसके हिसाब से जो भी रहेगा, आपको अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरीज हैं तो मैं सीवीएस मोटर्स का कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाइक तो अभी हम लोगों को मिल चुकी है टेस्ट राइडिंग के लिए, ये वाला मॉडल, तो ये वाली जो बाइक है ये हम लोग लेके जाएंगे टेस्ट राइड पर अभी, और इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपको तो कहीं पे भी मिल जाएगा, बट मेन जो रिव्यूज़ रहता है वो होता है एक बाइक राइडिंग के टाइम पे। अभी चलते हैं, निकलते हैं एक शॉर्ट राइड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइक मीटियोर, थोड़ा सा बारिश हो गया था, वेट करना पड़ गया, और
और आपको बता देता हूँ यहाँ पे ऐसे टाइम डिस्प्ले करता है और कुछ इस तरीके सा यहाँ पे जो आपका बटन रहता है ऑन ऑफ के लिए इग्निशन बटन, और यहाँ पे है लाइट ऑन ऑफ एंड पास लाइट जो रहता है। राउंड के मिरर्स रहेंगे यहाँ पे, देख सकते हो आप इधर पे काफ़ी अच्छा क्लियर विजन मिलता है। और जो ब्लिंकर है यहाँ पे आगे है, जो अभी थोड़ा सा बारिश हो गया था तो मेरे को वेट करना पड़ गया, पर जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है बाइक का काफ़ी अमेजिंग है। और मतलब अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। वो क्या मस्त है यार, मतलब इस बाइक को चलाने में मज़ा आ रहा है, प्रॉपर क्रूजिंग बाइक। और जो इसका प्राइस मैंने देखा था, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि इतना कम प्राइस में कितना अच्छा बाइक आ सकता है यार। मतलब मैं लिटरली, और मैं बाकी और बाइक्स का अगर कलेक्शन रखना चाहूँगा तो दिस विल बी द फर्स्ट टूरिंग बाइक, और काफ़ी अमेजिंग है, बहुत अच्छा आ रहा है यार। मतलब ये इसका प्रॉपर जो राइडिंग पोस्चर है, काफ़ी अच्छा राइडिंग पोस्चर है इसका। बाइक का साउंड दिखा देता हूँ अगर आपको, थोड़ा सा पानी आ गया है, स्लो डाउन करेंगे। यस, तो आप देख सकते हो मतलब इसका जो एक्चुअली देखा जाए तो कुछ वे में अच्छा भी हुआ कि मैं इसका रिव्यू शेयर कर पा रहा हूँ जब बाइक राइडिंग कर रहे हैं रेनी सीजन्स में। तो इसका जो आपको साउंड है एक बार दिखा देते हैं कैसा है साउंड। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटी, मतलब इस प्राइस में आपको इससे ज़्यादा अच्छी बाइक कहीं मिलेगी। यहाँ पे स्टारबक्स, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में बारिश के टाइम पे। बहुत इसकी हैंडलिंग जो है बहुत बहुत अमेजिंग है यार। मतलब बारिश के टाइम पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो आप ऐसा बाइक लेके जाओगे ना, तो थोड़ा सा रहता है डर कि भारी बाइक है या फिर जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा चलाने में, ब्रेकिंग में, तो वो चीज़ आपको इसमें बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इससे ज़्यादा मैंने देखा है, क्लासिक 350 भी चलाई है मैंने। थोड़ा सा बाइक जब रेनी सीजन्स होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा रिस्की है इतना भारी बाइक लेके जाना, बट ये भारी है बट बहुत ही, मतलब इतना जो क्रूज हैंडलिंग है ना इसका, मतलब जो हैंडलिंग प्रॉपर वाला है वो बहुत अल्टीमेट है, बहुत ही अमेजिंग है यार। मतलब ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी राइड्स की हैं और वीकेंड राइड्स पे मैं जाता रहता हूँ, तो उसमें जो जो डिफ़िकल्टी फेस होती है मेरे को, तो वो चीज़ ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इसमें मेरे को एक भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। जिस हिसाब से लॉन्ग टूरिंग में जाते हैं ना, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। आपका आपके साथ में फील इन राइडर्स भी जा सकते हैं और आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। यहाँ से अभी सीधे चलेंगे वापस, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये मीटियोर 350 आपको डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा CVS मोटर्स का, आप वहाँ पे जाके क्वेरी कर सकते हैं, और जो भी डिस्क्रिप्शन पे रहेगा इसका बाइक का डिस्क्रिप्शन है वो सारी शेयर कर दूंगा। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।